नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। आज हम एक बार फिर से बात करेंगे गांव की। गांव में क्या है क्या नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर जिले के मेवता से विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी। ज्ञान तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और हम आपसे बात करेंगे सिर्फ गाँव में उन चीजों की कि आजकल गाँव में क्या है और गाँव को किस चीज की जरूरत है। विधायक जी, आजादी को 70 साल से ऊपर का समय हो चुका है, ऐसे में अब गाँव को आप किस स्थिति में? देखिए, ये सत्य है कि गांव की स्थिति खराब थी, लेकिन दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है, आने वाले समय में मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ आपसे, आने वाले विगत 4-5 वर्षों में और जो पीछे अभी जब से मोदी सरकार दिल्ली में हुई है और तब से काफी बदलाव आपको दिख रहा है, और आगे 5 साल का और जब ये मौका मिलेगा मोदी सरकार को, तो आपको अलग दिखेगा कि हमारा एक ऐसा भारत होगा जो दुनिया का नंबर 1 देश होगा। विधायक जी, हमारे उत्तर प्रदेश में 159,163 गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं। हमारी टीम जगह जगह जा रही है, काफी जगह पे हमें देखने को मिला कि वहां पे अस्पताल है लेकिन डॉक्टर का पता नहीं है। इस मामले में सरकार क्या कोई कदम उठा रही है? नहीं, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये हकीकत भी हम लोग भी प्रयास करते हैं, और अभी जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हुई है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं अस्पताल, और उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टरों की संख्या कम है और इंटीरियर में लोग जाना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अब एक मानक बना करके लोगों से बात कर करके, डॉक्टरों से बात करके, और जो देहात क्षेत्र में जो डॉक्टर जाएंगे उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, ऐसा अभी हमारी सरकार ने कहा है। तो स्वाभाविक है, अब एकदम से 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था एकदम से तो नहीं ठीक हो सकती है, लेकिन काफ़ी सुधार हो रहा है और जहाँ दिक्कत है वहाँ फिर हम आगे सुधार की तरफ हमारी सरकार काम कर रही है, योगी सरकार। अच्छा, ऐसा ही कुछ शिक्षा के मामले में भी देखने मिल जाता है कि जो देहात के प्राथमिक विद्यालय हैं या जूनियर हाई स्कूल है, उनमें भी शिक्षकों की संख्या ना के बराबर ही है। कुछ जगह तो खाली शिक्षा मित्रों से ही काम चलाया जा रहा है, वो तो शिक्षा की तरफ सरकार की आगे की रणनीति कुछ? देखिए, शिक्षा के बगैर सब अधूरा है। शिक्षा और शिक्षित समाज होगा तो समाज की कुरीतियां बुराइयां दूर होंगी। इसके लिए हम लोग अभियान चला करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी सरकार योजनाएं हैं, मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं, और आज जूते मोजे कापी किताब से लेकर के मिड डे मील तक की सारी व्यवस्था हमारी योगी सरकार कर रही है, दिल्ली की मोदी सरकार कर रही है। बेटियों बेटियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तो 2 घर में उजाला होता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो जिस घर में रहती है उस घर के बच्चों को पढ़ाती है, जब शादी हो जाती है जिस परिवार में जाती है उस परिवार को भी जागरूक और शिक्षित करने का काम करती है। इसलिए हमारी सरकार ने ग्रेजुएशन तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करने का भी काम किया है, इस पे भी आगे बढ़ोतरी हो रही है। और बात वही अटकती है कि आज 70 साल में जो नहीं हुआ है वो एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन काफी कुछ सुधार है और अध्यापक भी है पर्याप्त, लेकिन अध्यापकों को भी हम लोग जा जा करके लोगों से कह रहे हैं कि भाई बच्चे आए प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए आए, और इस पे आगे और सुधार होगा। अभी आने वाले समय में आपको इसमें बदलाव दिखेगा, अभी तो मात्र 9 महीने की सरकार हुई है, आगे आपको इसमें बदलाव दिखेगा। जैसे अब मामला स्मार्ट सिटी का आ रहा है, शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन भारत जो है वो गांव का देश है, गांव के जो किसान होते हैं उसे अन्नदाता भी भारत में कहा जाता है, तो गांव को कब स्मार्ट बनाने का प्रयास करेगी सरकार या इसके लिए कोई नीति बना रही हो? नहीं, गांव को स्मार्ट बनाने की नीति बन गई आपकी जानकारी में नहीं है। पिछले साल 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती पे मोदी जी ने इसकी योजना दी है, ग्राम उदय भारत उदय, यदि गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। इसके तहत उन्होंने पैसा भी धन भी अलग से आवंटित किया है, और ग्रामों में आज विकास आप देखिए मजबूती के साथ हो रहा है, लेकिन स्थिति फिर वहीं पे लटकती है कि जो 70 साल तक लूटा है, जो केंद्र सरकार का पैसा आता था
अगर 100 रुपए आता था, ये राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं ऊपर से भेजता हूँ, नीचे पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपया रह जाता है 100 रुपए का, तो 90 पैसे जो बीच में खाने वाले लोग थे, आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई जेब ही नहीं है, योगी जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला है। तो जो मोदी सरकार का पैसा, जो योगी सरकार का पैसा, जो गांव गरीब किसान के लिए है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम ये कह दें कि 100% नहीं पहुंचेगा, लेकिन उल्टा जरूर घूम जाएगा, अब 80-90% जरूर वो गरीब की चौखट पे उसका हक पहुंचेगा। ये जो पैसा जाएगा, ये सांसद जी के द्वारा जाएगा, विधायक जी के द्वारा, या पंचायत निधि में इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं नहीं अभी तो आपने देखा होगा हमारी सरकार डायरेक्ट पंचायत में, ग्राम पंचायत को ग्राम प्रधानों के खाते में डायरेक्ट दे रही है, मनरेगा का हो ऐसा करके हो, तो ये सांसद विधायक नहीं किसी को दे रही है, ये डायरेक्ट उनके खातों में जा रहा है कि मूल मेरा गांव है, जय जवान जय किसान, अगर गांव खुशहाल है तो देश खुशहाल है, क्योंकि 75% आबादी गाँव में बसती है, इस नाते ये हम कह सकते हैं गाँव पे भी हमारा पूरा फोकस। यस, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इसमें ये कुछ प्रधान साथियों से बात की गई तो उनका कहना था कि शौचालय का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में जा रहा है, लेकिन अगर शौचालय नहीं बनता है, ODF में गांव नहीं आ रहा है, किसी वजह से कोई समस्या आती है किसी व्यक्ति को जो अपना शौचालय नहीं बनवा पाता, तो ऐसे में ग्राम प्रधानों के खिलाफ FIR हो रही है, तो उसमें इसका क्या समझ नहीं आ रहा है? देखिए ये सत्य है, ये लाभार्थी को पैसा मिलता है, हमारी मोदी सरकार ने जब 2014 के चुनाव में जब लोगों ने पूछा था कि राम मंदिर के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा पहले शौचालय फिर देवालय। शौचालय का मतलब ये है कि यदि शौचालय बना हुआ है तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी है, वो मेरा इज्जत घर है। खुले में शौच के लिए जितनी भी बीमारियां हैं, आपने देखा होगा गांव देहात में जो गंदगी निकलती है पेट से, उसमें मक्खियां बैठती हैं, हमारे आपके दो पैर हैं, अगर कुछ लग जाता है तो धोते हैं, साबुन से नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन मक्खियों के तो 6 पैर होते हैं, वो गंदगी उस माध्यम से, फिर वो भोजन की थाली के माध्यम से पुनः मेरे शरीर में आती है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान का जो मिशन है, इसको हम लोग गाँव ले जा रहे हैं। ODF के अंतर्गत प्रत्येक घर को शौचालय हो जाए, जो बड़े लोग हैं उनको जागरूक करते हैं, ये मत सोचिए कि हम बड़े आदमी हैं हम बना लेंगे शौचालय तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब शौचालय गरीब का ही बनेगा बड़े के साथ में, जब सब ODF से पूरी तरीके से मुक्त होगा, उसमें आ जाएगा शौचालय बन जाएंगे, तभी हमें उसका लाभ मिलने वाला है। नहीं जो भी गंदगी होगी उस गंदगी मक्खी तो नहीं देखेगी, ये बड़े आदमी की थाली है या छोटे आदमी की थाली है, तो वो कहीं भी किसी के ऊपर बैठ सकती है, आपके हाथ पैर में चोट लगी घाव, उसके माध्यम से वो विषैले कीटाणु फिर पुनः आपके शरीर में आ सकते हैं, भयंकर बीमारी हो सकती है। इसको लेकर के हम लोग जन जागरूकता अभियान चल रहे हैं, ब्लॉकों में पूरी टीम बना दिया, वॉलंटियर की पूरी टीम बनी हुई है और लोगों को जागृत कर रहे हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं, और लगभग 1 लाख मेरे जनपद सीतापुर में 1 लाख शौचालय का लक्ष्य है ODF के अंतर्गत, और उसके साथ साथ में 71,000 आवास बन रहा है, तो आवास भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सबसे ज्यादा आवास कहेंगे तो हमारे जनपद सीतापुर। मेरा ये सवाल था कि मान लो लाभार्थी शौचालय का निर्माण नहीं कराता है तो ग्राम प्रधान के खिलाफ FIR का क्या प्रावधान है, ये बात कुछ समझ नहीं। देखिए मैं बताऊं, इससे पहले भी कुछ लोग बनाए थे, किसी में लकड़ी रख रहे हैं किसी में कंडे रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जागरूक करें, और प्रधान के खिलाफ क्या होता है, प्रधान जो गांव का मुखिया होता है वो कहीं ना कहीं गांव की कम पढ़ी लिखी जनता है, उनको इतनी नहीं बारे में जानकारी है, तो ये स्वयं उसको लेकर के कि कोई भी कुछ होता है तो मुखिया के पास जाता है, प्रधान के पास जाता है, उसके बाद हम लोगों के पास आता है। लेकिन जब हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, जो शौचालय बन रहे हैं मजबूती के साथ बन रहे हैं, 12,000 रुपया सरकार दे रही है, बनने के बाद देती है, मैंने अधिकारियों से कहा भाई आप इनको 6,000 दे दीजिए, आधा काम हो जाए तो इनको आधा पैसा दे दीजिए, और उसके बाद जब पूरा काम कर दें तो आधा फिर दीजिए, डायरेक्ट लाभार्थी को दे दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास 12,000 भी नहीं है, तो वहां पे प्रधान लोग कर रहे हैं, और जहां पे
कहीं ना कहीं कुछ लेन देन में भट्ठे लाना है, ईंटा लाना, ये करना, उसमें करते हैं तो वहां पे हो रही है। और हमको लगता है शौचालय में तो ज्यादा कार्रवाई नहीं हो रही, शौचालय में वहीं पे कार्रवाई हो रही है जहां प्रधानों ने उनका पैसा हजम करने का काम किया है, तो इसलिए अब हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये पिछली सरकारों में हुआ है, इस योगी सरकार में प्रधान लोग इसमें पैसा नहीं खा पा रहे हैं। विधायक जी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें गांव को गणराज्य बनाने की बात कही गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान ये कहते हैं कि उनको वो अधिकार अभी तक मिल नहीं पाए हैं जो 11 अधिकार उनको संविधान के तहत 73वें संविधान संशोधन में दिए गए थे। ये माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब ऐसा उन्होंने ये किया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि मेरी सरकार नहीं रही, मैक्सिमम सपा बसपा और यही सब चलता रहा, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के ही माध्यम से होने वाला है। अब माननीय योगी जी हैं तो निश्चित इस पे विचार होगा और वो पूर्णतया लागू होगा। गांव की खुशहाली के जो भी योजना होगी, जो भी नियम कानून होगा, जो भी संविधान में संशोधन होगा, ये योगी सरकार गांव गरीब किसान के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहती है, उसके लिए हर एक कदम उठाएंगे योगी जी हमारे। अच्छा, हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों में किसानों को बिजली फ्री में मिलती है, खेती के लिए, घर के लिए नहीं, खेती के लिए फ्री बिजली मिलती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी यहाँ के किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था करने की कोई योजना बना रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ आबादी का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, तो फ्री की आदत तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो फ्री के विरोध में रहता हूँ, जिन लोगों को फ्री में अगर कुछ मिलने लगता है फिर वो काम नहीं करते हैं, लेकिन हमें पूरा समुचित 24 घंटे बिजली मिले इसकी हमें चिंता करनी चाहिए, जो गरीब है उसको कम दामों पे मिले हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। फ्री के बारे में कभी भी फ्री से हम वोट ले सकते हैं, फ्री के ही कारण ये फ्री मिल रहा वो फ्री मिल रहा यही तो आज हमारे देश का हाल है, इसलिए फ्री नहीं चाहिए हमें, काम करके चाहिए, लेकिन काम का उचित हमें पर्याप्त उसका हमें मिलना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए, और जो गरीब है उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए लेकिन फ्री नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गांव के लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि जिस गांव का एक वर्ष तक कोई भी मामला थाने नहीं जाएगा उस गांव को आदर्श गांव, और इसी तरह से उन्होंने 5 साल तक का मिला के कुछ ना कुछ उनको नाम दिए थे, तो ऐसा ही कुछ सरकार उत्तर प्रदेश में भी लाएगी, गुजरात मॉडल क्या था? देखिए, अब ये तो प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से आप करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार का एक सदस्य हूं तो मैं तो प्रयास करता हूं, मैं अपने क्षेत्र में चौपाल लगा करके थाने तक न पहुंचे वहीं पे आपस में अगर कोई झगड़ा है तो आपस में निपट जाए, उसमें कोई दलाली मक्कारी नहीं होना चाहिए, पुलिस या वकील या कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के गरीब आदमी लड़ भिड़ करके जो उसको बर्बादी होती है वो न हो करके और सुलह समझौता ही हो, इससे ज्यादा ना हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और इस बारे में हमारे योगी जी भी हैं पूर्णतया निरंतर अपने सांसद विधायक जनप्रतिनिधियों को उनका निर्देश रहता है कि एकदम पूरी निष्पक्षता के साथ न्यायप्रिय लोकप्रिय सरकार चले और इस परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए। आप अपनी तरफ से ग्रामीण जनता को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई संदेश आपका? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारी दिल्ली की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार गांव गरीब किसानों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहती है, जो गरीब का अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे और जिन्होंने ये कहा था कि लाइन में खड़े हुए अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति के जब तक चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी तब तक हमारा ये भारत देश नंबर वन नहीं बन सकता, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था ये पुनः सोने की चिड़िया बने, स्वामी विवेकानंद जी का सपना साकार हो, श्रद्धेय अटल जी का सपना जो उन्होंने सजाया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गरीब की कुटिया में बल्ब जले, पंडित दीनदयाल ज्योति योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा कि आज प्रत्येक गाँव में बिजली लग रही है, और लगभग मैं अपने जनपद सीतापुर की बात करूं तो 300 करोड़ रुपया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत आ रहा है, आज सौभाग्य योजना के अंतर्गत फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है हमारी योगी सरकार की तरफ से, तो हम फ्री में उनको कनेक्शन दे रहे हैं लेकिन बिजली का पैसा लेंगे, कनेक्शन फ्री में उनको दिया जा रहा है, बाकी फ्री में बिजली नहीं दी जा रही है उनको, कम मूल्य पे उनका मूल्य निर्धारित होगा, जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं, 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं गरीब को मिले, कोई हमारे
प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति कोई भूख के कारण उसके शरीर से उसके प्राण न निकले, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत देने का काम किया जा रहा है। किसान दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपया और 12 रुपये में 1 रुपये महीने के हिसाब से, आपने देखा होगा दुर्घटना बीमा, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, गैस कनेक्शन, 5 करोड़ लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन। तो इस तरीके से ये हमारी जो मोदी सरकार और योगी सरकार की जो 104 योजनाएं हैं अभी जो उन्होंने दिया है लोगों के लिए, वो योजनाएं हम अगर उस चौखट तक पहुंचा देंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरा भारत एक पुनः विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु का मतलब यह है अगर हम सर्वश्रेष्ठ हो गए तो जो आर्यावर्त था तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, ये आर्यावर्त पुनः मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे देश से गरीबी हटेगी और किसान के चेहरे पे मुस्कान आएगी जब उसकी आय 1.5 गुनी 2 गुनी होगी। और इस परिपेक्ष में हमारी सरकारें काम कर रही हैं, आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में आज तक 4 साल हो गया है सरकार को और एक भी आरोप, लोग विपक्षी लोग ढूंढते रह गए लेकिन कहीं एक आरोप नहीं दिखा पा रहे हैं। योगी सरकार को भी 9 महीना हो गया है, किसी मंत्री के ऊपर कहीं आपको ये नहीं लगा होगा कि इसने भ्रष्टाचार किया है। तो बट नेचुरल है कि जब सरकार की योजना गरीब की चौखट पे पहुंचेगी तो गरीब के घर में खुशहाली आएगी आएगी। अभी माननीय हमारे योगी जी ने मैंने आग्रह किया था, चूंकि मेरी विधानसभा जो सेवता है वो बाढ़ क्षेत्र ग्रसित है, वहाँ घाघरा, केवानी और जो आगे सरयू हो गई है, घाघरा, ऐसी नदियों की कटान निरंतर होती रहती है। तो करीब लगभग 12 गांव 1 दर्जन के आसपास जो नदी में समाहित हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को पुनः विस्थापित करने के लिए अलग से माननीय योगी जी योजना ला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीबों के लिए है लेकिन जो आपदा के तहत जिनके घर नष्ट हो गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जो नदी में कटान हो गया है, तो उन्होंने पूरे प्रदेश का, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ग्राम विकास मंत्री महेंद्र सिंह जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, मैंने ये आग्रह किया था, तो वो उसके लिए भी अभी आवास होने जा रहे हैं, ये मेरी योगी सरकार करने वाली है, तो स्वाभाविक है कि गरीबों के चेहरे पे मुस्कान आएगी। हमसे बात करने के लिए तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्ञान तिवारी जी, सीतापुर जनपद के मेवता सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो अब ग्रामीण आवाज को आगे तक उठाने का काम करेंगे और किसानों की, मजदूर की समस्या को दूर करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा इन्होंने हमसे बातचीत में भी वादा कर लिया है। ये हम मान सकते हैं भविष्य में ये किसानों के लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर विधानसभा में जाएंगे और क्षेत्रों की बातों को उठाकर उन्हें हल कराने का प्रयास करेंगे। अजय प्रताप सिंह, ABPS न्यूज, मुरादाबाद, लखनऊ।